learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor Rambai Yadav, and today we are going to start the next part of formal letter, that is business letter writing. So let's see how to write business letters. सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगी कि एक बिजनेस लेटर किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या किस तरह से लिखा जाता है. तो सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें अपना क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, पता लगे कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. यू आर द स्टोर इंचार्ज ऑफ एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल. आप एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल के स्टोर इंचार्ज हैं. यू रिक्वायर वेरियस आइटम्स ऑफ फर्नीचर. आपको क्या चाहिए? वेरियस आइटम्स ऑफ फर्नीचर. आपको फर्नीचर के कई सारी आइटम्स चाहिए. किसके लिए? फॉर योर स्कूल. राइट ए लेटर टू मैसर्स. मैसर्स की स्पेलिंग आप ध्यान से देखना, MESSRS, मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस. आपको मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस को लेटर लिखना है, जिसका एड्रेस है 115 करोल बाग, न्यू दिल्ली. और करना क्या है? प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द फर्नीचर. तो ये लेटर किस तरह का है? प्लेसिंग द ऑर्डर. किस टाइप का लेटर है? प्लेसिंग द ऑर्डर. सपोज आप एक बिजनेस मीन स्कूल के क्या है, आप स्टोर इंचार्ज है और आपको स्कूल के लिए फर्नीचर चाहिए, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है. कौन सी कंपनी का, कौन सी कहां से? मैसर्स गुप्ता फर्नीचर्स हाउस 115 करोल बाग, न्यू दिल्ली. सो ये बिजनेस लेटर, आपको पता है ये फॉर्मल लेटर होता है, और फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस क्या है? एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल. तो एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ये आपने क्वेश्चन से एज इट इज लिख दिया है. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे. डेट लिखने का तरीका जैसे मैंने बताया, ये हमेशा इस तरह से डेट लिखेंगे, या अक्टूबर 10, 2022. ठीक है. इसके बाद आप आएंगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी. एड्रेसी यहाँ पे कौन है, आप किसको ये लेटर लिख रहे हैं? आप देखिए, इस शॉप में, इस जो फर्निशिंग हाउस है, यहाँ पे कोई मैनेजर, सेल्स मैनेजर होगा जो इन सारी सेल्स को डील करता है. तो आप किसको लिख रहे हैं? द सेल्स मैनेजर. कौन सी फर्म है? मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस. तो आप उसका पूरा नाम लिख देंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे 115 करोल बाग, न्यू दिल्ली. यानी कि जो जहां से आप ये परचेज करने वाले हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस आपने लिख दिया. उसके बाद आप लिखेंगे सर. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर फॉर स्कूल. ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देंगे. अब आता है बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उस बॉडी पार्ट के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है इंट्रो. इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि आप कौन है. तो आप बताएंगे आई एम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, आई एम एक्स वाई जेड. द, आप है क्या? द स्टोर इंचार्ज. आप कौन है? स्टोर इंचार्ज ऑफ कहां के? एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल. तो आप कंप्लीट अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं कौन हूं जो लेटर लिख रहा हूं. उसके बाद आप बताएंगे कि आप नाउ यू विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. पहले आपने लिखा इंट्रोडक्शन, अब आप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन की. अब आप किस मुद्दे पे लेटर लिखना चाह रहे हैं, आप ये एक्सप्लेन करेंगे. तो उसके लिए आफ्टर गोइंग थ्रू योर कोटेशन, वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस द ऑर्डर्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर. की आपने देखा ही होगा, जब भी किसी स्कूल या कोई आइटम हम परचेज करते हैं तो हम उनसे कोटेशन मांगते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल्स होते हैं, वहां पे सामान बहुत बल्क में खरीदा जाता है. तो हम पहले
जो भी उस तरह के सामान बेचते हैं उनसे कोटेशन मांगते हैं। कोटेशन क्या होती है कि उसमें उनकी रेट लिस्ट होती है, हम कितना सामान कितने में देंगे, इस तरह से क्या डिस्काउंट देंगे, इस तरह की बातें होती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि आफ्टर गोइंग थ्रू योर कोटेशन, कि जो आपसे हमने कोटेशन मांगी थी, रेट लिस्ट मांगी थी, वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस द ऑर्डर्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर, कि ये सामान हम अपने स्कूल के लिए खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स आइटम का नाम, पर्टिकुलर की जगह आप आइटम भी लिख देते हो कि कौन कौन से आइटम्स आप खरीदने वाले हैं। उसके बाद उसका डिटेल, जैसे कि सपोज करो आप, ये तो आप फर्नीचर है, तो आप फर्नीचर का डिटेल क्या होगा कि भाई या तो उसकी ब्रांड हो सकती है, किसी ब्रांड का फर्नीचर ले रहे, आप स्टील का फर्नीचर लेना चाह रहे, आप वुडन फर्नीचर लेना चाह रहे, वुडन में भी कौन सी वुड का चाहिए, यानी उसका जो डिटेल होगा, जो भी आइटम है वो यहाँ आप नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप मेंशन करेंगे क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कि क्वांटिटी में कितने क्या चाहिए उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम एक पहला एग्जांपल ले लेते, सपोज फर्स्ट चेयर्स है, आपकी डिटेल्स, आप चेयर्स का देखो, स्कूल में आपने देखा होगा डिफरेंट साइज की चेयर्स चाहिएगी, छोटे बच्चों के साइज की, आप साइज मेंशन कर सकते हो। तो उसके बाद चेयर्स स्टील की भी होती है, चेयर्स वुडन भी होती है, तो आप उसमें जो भी चेयर्स जिस टाइप की चाहिए आप उसको मेंशन करो, कितनी चाहिए आपको, 50 चाहिए, 100 चाहिए, आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह बेंचेस है, बेंचेस आपको वुडन के चाहिए, स्टील के चाहिए, जो भी चाहिए, अगर स्टील के चाहिए आप किसी के पर्टिकुलर ब्रांड के चाहिए आप उसका नाम लिख सकते हो, वुड में चाहिए सपोज करो आपको साल के चाहिए, टीक के चाहिए, तो वो भी आप कंप्लीट लिख दोगे, साइज भी मेंशन कर दोगे और फिर कितनी क्वांटिटी में चाहिए। इस तरह स्कूल में और क्या आइटम हो सकते हैं, आपको अलमीरा की जरूरत हो सकती है, बोर्ड्स की हो सकती है, व्हाइट बोर्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट बोर्ड हो सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी के लिए शेल्फ हो सकती है, तो मीन्स इस तरह से आप 5-7 आइटम्स की लिस्ट बना देंगे। जब आप इस तरह का लेटर लिखते हैं फिर उसको पूरा बॉक्स को बंद करके उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि एज वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर इन बल्क, बल्क मीन्स इतनी बड़े अमाउंट में आपको ऑर्डर दे रहे हैं। देखो आप घर के लिए खरीदते तो एक दो चार आइटम खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे 100-200 इस तरह का बल्क में आप सामान खरीद रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए जब भी आप बल्क में सामान खरीदते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो डिस्काउंट हो वो कुछ एक्स्ट्रा मिले, जो एक नॉर्मल में देते हैं उससे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिले, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। कैसे, जैसे एज वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर इन द बल्क वी होप दैट वी विल गिव अस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सपोज उनका नॉर्मल डिस्काउंट 10% है, आप उनसे बात कर सकते हो एटलीस्ट गिव अस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि देखिए आप स्कूल के लिए फर्नीचर मंगा रहे हो, मोस्टली फर्नीचर की जरूरत कब होती है, न्यू सेशन में, तो आप क्या मेंशन कर सकते हो कि काइंडली सेंड द डिलीवरी बिफोर द लास्ट वीक ऑफ मार्च, बिकॉज अप्रैल में आपका न्यू सेशन स्टार्ट होना है, या सपोज करो कि आप उससे पहले मंगवाना चाहते, कोई भी डेट फिक्स कर दीजिए, सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट दैट द डिलीवरी शुड बी देयर ऑन टाइम। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट, कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। देखो पेमेंट के आपको पता ही है, इधर यू विल डू इन कैश और इट विल बी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और हम मोस्टली हम प्रीफर करते हैं The payment will be done after receiving the delivery. So it will be on, you can mention कि बता सकते कि आप किस तरह से करने वाले हो, कि means it will be online transaction after receiving the orders or it will be cash in delivery after receiving the orders. तो ये आप उसको mention कर सकते हैं। So इस तरह से आप अपना letter पूरा करेंगे, last में लिखेंगे the closing words, thanking you, then yours sincerely. Then you will put your signature. Signature के बाद अपना नेम लिखेंगे कैपिटल अल्फाबेट में, और फिर अपना अपनी पोस्ट, आप क्वेश्चन में आपकी पोस्ट क्या है, आप एक स्टोर इंचार्ज है स्कूल के, तो आप लिख देंगे स्टोर इंचार्ज। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में होता कि सपोज करो कि आप एक बिजनेस मैन है, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, आपको उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है, तो
यहाँ पे भी आप अपना ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा। गारमेंट्स में आप सपोज आपको टी शर्ट्स चाहिए, शर्ट्स चाहिए, साइजेस लिख दीजिए, कलर्स लिख दीजिए, तो इस तरह से करके आप उसके पर्टिकुलर्स बना लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स में आप उसके ब्रांड्स लिखेंगे कि कौन सी ब्रांड की कितने टी शर्ट्स चाहिए, किस साइज की चाहिए, और क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप फिर जैसे बिजनेसमैन है, आप डिस्काउंट की बात कर सकते हैं क्योंकि आप बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरह की सपोज करो कि आप एक लाइब्रेरियन है और आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा, नेम जो बुक्स हो जाएगा, फिर उसमें एक ऑथर्स के नेम लिख सकते हो, या आप कौन सी पब्लिशिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी की बुक है, वहां पे डिटेल में ये डाल देंगे कितनी बुक्स है, यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको थोड़ा मोल्ड कर लेंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे, और आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि किस तरह से ऑर्डर्स प्लेस करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब आप बार बार लिख के उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और राइटिंग एक स्किल है, और स्किल कब डेवलप होती है, जब हम उसकी बार बार करके बार बार लिख के कोशिश करते हैं। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सलेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।